कब तक उस जगह तक हम पहुंच पाएंगे कि रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके? आप लोग आई गेस बंगाली में अभी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अभी प्योर इंग्लिश में काम कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग अपने सदर्न स्टेट्स को टच करेंगे और तब उन लैंग्वेजेस को टच करेंगे। बट जो आपका और आज एक और चीज बनती है, हेलो स्टूडेंट्स। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आफ्टर योर इमेंस सपोर्ट, आज एक्टेक की फील्ड में, ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में कुछ बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है और वो ये है कि फिजिक्स वाला सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है। यस, PW is going worldwide with its new YouTube channel, with its new vertical, PW English. आज से 3-4 साल 5 साल जब से मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, फिर ऐप पे भी पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, एक कमेंट जो लगातार आता रहा वो ये था कि मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं दुबई से बिलोंग करता हूँ, मैं US से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, और आप लोग जो बोर्ड पे लिखते हो थोड़ी बहुत इंग्लिश में वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी बोल रहे होते हो जिस वजह से थोड़े कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आते। मेरा हमेशा इस पे आंसर ये होता था कि कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे तो दूसरे लोग तो इंग्लिश में कर रहे हैं, आपके स्टेट में कोई ना कोई इंग्लिश के यूट्यूब चैनल, आपके देश में कोई ना कोई इंग्लिश यूट्यूब चैनल है। मैं हमेशा ये कह के शायद बातों को टाल रहा था, मुझे ऐसा भी आज लगता है शायद मैं चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहा था, बट जो PW से बच्चों का इमोशनल कनेक्ट है, यानी एक जो कॉमेंट आप लिखते हो कि PW इज नॉट अ ब्रांड इट्स एन इमोशन, PW इज नॉट अ ब्रांड इट्स इमोशन, तब मेरे को ये चीज समझ में आ रही थी कि बात ऐसे नहीं बनेगी कि आप किसी और चैनल से पढ़ लो, कि आप किसी और के इंग्लिश चैनल से पढ़ लो। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू डू इट, एंड थैंक्स टू योर सपोर्ट, टू योर लव एंड टू योर डेडिकेशन। जो फौज हो ना तुम लोग, यार तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोग फौज हो, तुम लोग सोल्जर्स बन गए हो, तो थैंक्स टू दैट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन कि आज आपने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया है कि आज मैं लेके आया हूं PW का नया वर्टिकल, PW इंग्लिश मीडियम। यस, नाउ वी आर गोइंग वर्ल्ड वाइड, अब दुनिया का कोई भी बच्चा जो इंग्लिश की भाषा समझता है वो PW से पढ़ सकता है। जिसको उस PW के DNA का प्यार था कि यार वो फील मिसिंग होती थी पढ़ाई से। कई लोग कहते हैं कि सर आपने फिजिक्स पढ़ाई, टाइम अच्छा था और उस टाइम कोई नहीं था यूट्यूब पे, इसलिए आपका चैनल चल गया, ऐसा चल गया। बट अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने बैठ के बोला ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने जो फील दिया बच्चों को वो चला है, और वो फील हमारे PW के पूरे DNA में आ गया, हमारे सारे के सारे टीचर्स में वो DNA है कि यार पढ़ाई में ना ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन बीट कराना है, जो अल्टीमेट टारगेट है वो है फील देना टॉपिक का, बच्चों को प्यार कराना टॉपिक से, एजुकेशन में फन लेके आना, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके आना, और ये चीज हम हिंदी स्पीकिंग क्राउड में लेके आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग इन द इंग्लिश मीडियम, इसके बाद अपन डिफरेंट वर्नैकुलर लैंग्वेज में आने वाले हैं, अपन डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में आने वाले हैं, PW आग लगाने वाला है, प्लानिंग बहुत स्ट्रांग चल रही है, बट आज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा वी आर गोइंग वर्ल्ड वाइड विथ इंग्लिश लैंग्वेज, लॉन्चिंग आर न्यू यूट्यूब चैनल, लॉन्चिंग आर न्यू वर्टिकल PW English, and this is happening just because of you. हाँ, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम जो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करते हो, ये तुम्हारे दिल की आग है जो मेरे मुंह से निकलती रहती है, ये एनर्जी मुझे तुमसे मिलती है, यार मजा आ गया। Now we are going worldwide with PW English, so let's give a big round of applause for our new YouTube channel PW English for IIT JEE NEET Foundation NTSC. Yes. ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 11 क्लास 12 पढ़ाने आए, सिर्फ IIT पढ़ाने आए, सिर्फ नीट, नहीं, सब कुछ होगा, क्लास 9 10 फाउंडेशन NTSC एवरीथिंग विल बी देयर। एक नया वर्टिकल सेटअप कर रहे हैं बच्चों, एक नया फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं हम लोग आपकी मदद से। पहला स्टोन हम रखेंगे, उसके ऊपर इमारत कौन बनाता है? हर बार आप बनाते हो, हर बार आप बनाते हो। हम लोग के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स की एक छोटी सी पार्टी हुई थी और वहाँ पे टीचर्स, सारे टीचर्स ने अपने दिल की बात कही और सबने बोला कि यार हम लोग को जो बनाया है, हमें जो पुश किया अपनी बाउंड्री के पार, वो सिर्फ बच्चों ने किया। तो मैं आज एक पहला स्टोन रख रहा हूँ PW इंग्लिश का, और इसके बाद जिम्मेदारी आपकी है कि इसको एक इमारत बना के लेके जाना है। सो दिस इज PW इंग्लिश द न्यू यूट्यूब चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रखा है, ढेर सारा प्यार आप वहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हो, आगे भी देते रहोगे, और उसके लिए हम कॉन्स्टेंट मेहनत करेंगे। अभी के लिए क्या होने वाला है, अभी के लिए चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, आर फोकस विल बी ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फर्दर चैनल विल प्रोसीड विद प्रिपरेशन फॉर IIT JEE NEET फाउंडेशन इन प्योर इंग्लिश। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वहां बोर्ड की एक छोटी सी सीरीज,
और उसके जस्ट बाद हम वहां पे स्टार्ट करेंगे आईआईटी जेईई नीट के फुल फ्री ईयर लॉन्ग बैच। यस, यानी अभी हम एक बोर्ड की एक छोटी सी सीरीज चलाएंगे क्योंकि टर्म वन आपका सामने खड़ा है, तो उस लड़ाई से लड़ने के लिए एक छोटी सी सीरीज बोर्ड ओरिएंटेड चलाएंगे और उसके बाद हम लेके आएंगे डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर आईटी जेईई नीट फाउंडेशन ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द न्यू चैनल। ऑल क्वेश्चंस डेरिवेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स फील, पढ़ाई की फील लेके आएंगे इंग्लिश के अंदर। आगे बात करते हैं बच्चों सीबीएसई बोर्ड फेस्टिवल। Yes, CBSE Board Festival is coming on PW English and that will be a live festival where students preparing for class 12 CBSE Board exams will get all the materials for their term 1। हिंदी में बात करते हैं, उस चैनल पे इंग्लिश में बात करेंगे। सामने आपका term 1 है, term 1 के लिए हम लोग लेके आए हैं CBSE Board Festival जिसमें हम लोग टर्म वन का सिलेबस कवर कराएंगे। कैसे कवर कराएंगे बच्चों? लाइव कवर कराएंगे, टीचर वहां खड़ा रहेगा, आपका सारा सिलेबस करा के हटेगा टर्म वन का। लाइव कराएंगे टर्म वन का पूरा सिलेबस इन प्योर इंग्लिश ऑन पीडब्ल्यू इंग्लिश, अभी सिर्फ क्लास 12th बोर्ड का, और उसके जस्ट बाद जैसे ही टर्म वन हो जाएगा तब आईटी जेईई नीट में सब में एक्सपैंड करेंगे। सो दिस इज आवर नो यूट्यूब चैनल। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? कल से हो रही है, 5 दिसंबर से, है ना। कई लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम एम्स्टरडैम से शादी कर रहे हैं, हम गोवा से शादी कर रहे हैं, हम लंदन से शादी कर रहे हैं, और एक वो पोस्टर बना के डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, एक पोस्टर बना के डाल देते हैं सेव द डेट, लड़का लड़की से हाथ पकड़े देते हैं सेव द डेट। तो भाई तुम सबको मैं बोलता हूँ सेव द डेट 5th December, आप ये कर रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, सेव द डेट 5th December फॉर द न्यू रेवोल्यूशन इन एडटेक पीडब्ल्यू इंग्लिश, जहां 5 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट होने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड फेस्टिवल। क्या होने वाला है सीबीएसई बोर्ड फेस्टिवल में? एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ऑफकोर्स यूट्यूब पे चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। एनसीईआरटी ओरिएंटेड लाइव सेशन बाय टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, आपके एनसीईआरटी बेस्ड यानी टर्म वन बेस्ड सिलेबस वहां पे चलने वाला है, लाइव सेशन होने वाले हैं। लेक्चर नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? आप सभी को पता है लेक्चर नोट्स कहाँ मिलता है, किसी इधर उधर हम लोग को डालने की जरूरत नहीं, अपने पास अपना घर है, अपना मंदिर है, पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप है, वहां पे आपको मिलेंगे लेक्चर नोट्स। तो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे जाना है, बैचेस सेक्शन में जाना है, सीबीएसई बोर्ड फेस्टिवल पे क्लिक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, 0 रुपीज होगा, उस पर लिखोगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, डरना नहीं, बाय नाउ से फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे आपको लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। Entire syllabus from CBSE Board's point of view will be covered in one shot. Yes, जिस सीरीज को आप सबसे ज्यादा प्यार देते हो उसी सीरीज को हम लोग इंग्लिश में लेके आए हैं, द वन शॉट सीरीज फॉर CBSE Board टर्म 1, एंड इट्स स्टार्टिंग राइट आफ्टर टूडे, दैट इज टुमारो 5th of December। भाई मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसे पोस्ट दे दो सेव द डेट, मेरी भी फोटो ले लो सेव द डेट की। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज, आपको मेरे चेहरे पर खुशी दिख रही होगी क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, एक नया वर्टिकल स्टार्ट करना अपने आप में एक हिम्मत की बात होता है क्योंकि वहां से आपको कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं होता, आपको सिर्फ वहां स्पेंड करना होता है, टीम लगानी होती है, मेहनत करनी होती है, दिमाग लगाना होता है, आपका पूरा टेंशन बढ़ता है, बट वी हैव टू डू इट नाउ, आई हैव रियलाइज्ड दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गो इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड आई विल गो, यू कैन नॉट स्टॉप मी। सो नो योर टीचर्स, आपके कौन से फेवरेट प्यारे टीचर्स आपको पीडब्ल्यू इंग्लिश में अभी पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड फेस्टिवल के अंदर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में है रिस्पेक्टेड आकाश सर विद ओवर 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज फ्रॉम कोटा, माय सुपर 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 सीनियर इन फिजिक्स, और बहुत मजा आने वाला है इनके साथ फिजिक्स पढ़ने में। ही इज एक्स फैकल्टी ऑफ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम कोटा, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर ने भी इंजीनियर है बट 15 साल से सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और आप सर हमारे साथ हैं, आपको मजा आ जाएगा सर से फिजिक्स पढ़ के। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं हु इज देयर इन केमिस्ट्री, यू हैव अतुल सर इन केमिस्ट्री, इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटी ऑफ इंडिया, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आईआईटी बॉम्बे से सर ने इंजीनियरिंग कर रखी है। सर की बात करें तो सर 100+ आईआईटीएंस को प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनकी डबल डिजिट रैंक या ट्रिपल डिजिट रैंक रहने वाली है। तो सर 7 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ही इज गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री लाइव ऑन पीडब्ल्यू इंग्लिश। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स यू हैव योर अमन सर 6 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ही इज अ बीटेक फ्रॉम एनआईटी, ही हैज मेंटेड ऑल इंडिया रैंक 113 यानी ट्रिपल डिजिट एंड मेनी मोर अंडर 1000 AIRs यानी आपको टॉप लेवल के ही फैकल्टीज यहां पे मिलेंगे। पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स बोलो भाई, कमेंट में बोलना पड़ेगा पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स, पॉज करके कमेंट में, पीडब्ल्यू से प्यार है तो पॉज करके कमेंट में लिखना चाहिए मैं क्या बोलना चाहता हूं।
सो दिस इज अमन सर फॉर मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी यानी बायोलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी बॉटनी की, सब कुछ आने वाला है। पीसीएमबी लाइव सेशंस होंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए वन शॉट में। सो अगर हम लोग बात करें जूलॉजी में, यू हैव वेरी एक्सपीरियंस एंड वेरी डायनेमिक विकी वासवानी सर, ही इज फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 15 साल से ज्यादा जूलॉजी पढ़ाने का एक्सपीरियंस, मेंटर टॉप रैंक्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सर को हम लोग साउथ से लेके आए हैं, पीडब्ल्यू इंग्लिश के लिए ही लेके आए हैं, और सर आपके बीच में आने वाले हैं क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग क्राउड कम होता है। तो हम लोग उसने सर को वहीं से मतलब हेलीकॉप्टर से रोप डाल के उठा के हम लोग लेके आए किसी तरह से मना के। और देन यू हैव योर फेवरेट दीक्षा मैम, योर डायनेमिक दीक्षा मैम, क्या पढ़ूं, गोल्ड मेडलिस्ट 11th नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट जूलॉजी टीचर। तो क्या एनर्जी से मैम पढ़ाती हैं, सर के तो आपको पढ़ाते हुए भी देखना, आपको मजा आने वाला है। दिस इज योर जूलॉजी टीम। बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में यू हैव योर जीतू भैया विश्वजीत सर। तो विश्वजीत सर आपको बॉटनी पढ़ाने वाले हैं और साथ में एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो सरप्राइज है। यानी बॉटनी में भी दो टीचर्स आने वाले हैं, सरप्राइज टीचर रिवील होगा सीरीज के अंदर। विश्वजीत सर के बारे में क्या बताऊं यार, आप लोग इतना प्यार उनसे ऑलरेडी करते हो, उनकी कहानियां सुनते हो, उनसे बॉटनी पढ़ते हो, और मैं क्या बताऊं, आप उनको ऑलरेडी जानते हो। So let's proceed. So how to subscribe to CBSE Board Festival Batch? How to subscribe to this CBSE Board Festival Batch? जहाँ पे वन शॉट वीडियो मिलने वाले टर्म वन के, कुछ पैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, जीरो रुपीज में सब्सक्राइब करना है। PW के मोबाइल ऐप में जाना है, लॉग इन नहीं किया तो लॉग इन करना है। बैचेस सेक्शन में जाना है, बैचेस सेक्शन में जाके आपको ऐसा एक बैनर दिखेगा, कहाँ दिखेगा आपको, दिखेगा नीचे ऑल बैचेस के अंदर, है ना। तो ऑल बैचेस के अंदर CBSE बोर्ड फेस्टिवल क्लास 12th CBSE PCMB ब्रांड न्यू सब है, फ्री बैच है बेटा। इस पे आप क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे, फिर बाय नाउ आएगा, बाय नाउ देख के डरना नहीं है, उसके बाद बस उस पे क्लिक कर देना है, जीरो फीस में आप उस पे इनरोल हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड आई विल थैंक यू, आई हैव थैंक यू, आई एम थैंकिंग यू नाउ एंड आई एम श्योर दैट आई विल कीप थैंकिंग यू ऑल द टाइम। PW इज यू, यू आर मेकिंग इट, क्योंकि ये आपने करके दिखाया है। अब यार वापस सपोर्ट करो कि हम लोग सारी वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी घुस जाएं और वहां पे भी जाके अफोर्डेबल एजुकेशन का झंडा लहरा दें, ताकि ये 60,000 70,000 80,000 1.5 लाख के कोर्सेज को हम बोल दो बंद करा दें, ठीक है। सो मेरी सारी दुआएं, सारे विशेष, सारा प्यार आपके साथ है। आप में से कई बच्चों को लगता होगा सर पढ़ाते नहीं है, सर 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 का टीचिंग चला गया, सर जिस चीज से आए हैं उसको छोड़ दिए। कई बार यार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको इतनी प्यारी ना हो, है ना, जैसे मैनेजमेंट और चीज़ें संभालना और मीटिंग्स, पर जो ग्रेटर गुड के लिए किया जाता है ना, बड़े गुड के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ से नहीं हटता और मैं अगर ये सब नहीं करता तो ये सब बन ही नहीं पाता। सो उसके लिए मैंने ऐसा किया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी टीचर नहीं बनूंगा। आई हैव टू कम बैक, आई नो वेरी सून आई विल कम बैक। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।